तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाड़ी पूरी लोड हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं जयपुर के लिए। तो बस अभी यहां से अब निकलते हैं और पहले कुछ नाश्ता करते हैं। और सॉरी सॉरी, मैंने कल जो बोला था आपको कि हम 6 बजे निकल जाएंगे, तो कुछ कारण से लेट हो गया क्योंकि जीजू को थोड़ा काम आ गया था, तो वो काम अभी पूरा ख़त्म किया, उसके बाद अब निकल रहे हैं। तो अभी हम शायद जयपुर करेंगे, जल्दी जल्दी जयपुर पहुँच जाए। तो ये ब्लॉग में आप बने रहिए एंड तक। और गाइज, मैंने मंगवाया ये मोबाइल होल्डर, तो इसको मैं लगा देता हूँ ग्लास पे क्योंकि ये लॉन्ग रूट है, तो ब्लॉगिंग करते हुए चलेंगे। कब जयपुर आएगा पता ही नहीं चलेगा, तो यहाँ पे मैं मोबाइल को लगा दूंगा और अपनी ड्राइव भी और करते रहेंगे, और यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट भी होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये मोबाइल होल्डर बहुत काम आने वाला है। तो चलो आगे देखो। देखो, ये मोबाइल होल्डर मैंने लगा दिया है यहाँ पे और अब निकल रहा हूँ यहाँ से, घर से गाड़ी निकालते हैं बाहर। बाय 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 बाय, जय श्री माता। तुम पहुंचो। तो गाइस, यहाँ से मुंबई बड़ा पाव लेता हूँ मैं क्योंकि अभी हमने नाश्ता किया नहीं था, तो बस ला रहा हूँ मैं, 5 मिनट लगेगा। तो भाई लोग, हमारा सफर फाइनली चालू हो गया है, ये देखिए। तो सबसे पहले बोलते हैं चलो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ये क्या बात है, एक बार और जय श्री महाकाल। तो बस भाई लोग, ये अपना रोड है। ये कौन सा रोड है जीजू, रूट कौन सा ही वाला? फिलहाल तो इंदौर भोपाल रोड है, अभी अपन कट जाएंगे आगे जाके। ये इंदौर भोपाल रोड है, ये वाला जो बाईपास है, यहाँ से अभी आगे और कट होंगे तो हम पहुँच जाएंगे आगरा रोड पे। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जयपुर में आपसे। तो गाइस ये देखो, ये अपना बड़ा पाव लग गया है और सफर जारी है, और अब ये मैं खाता हूँ। इनका ये स्कैनर वो दमदार नहीं रहते हैं। दमदार नहीं सूरज, गाड़ी हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल, मेंटेनेंस लगता है भैया। वो जबकि पैसे कमी है क्या इनके पास? चीज में मेंटेनेंस लगता है, नहीं कराते और कुछ नहीं है बात। तुम कुछ भी चीज खरीद लो, कंप्यूटर मोबाइल हर चीज का एक मेंटेनेंस सर्विस रूटीन चेकअप होता है, वो ये लोग अवॉइड करते हैं खर्चा बचाने के लिए। महाराष्ट्र में कितने बार गया अपन, गए कितना सेकंड, एक सेकंड भी लगता। हाँ, वो लोग एक सेकंड से भी कम, वो फास्ट खुलती है। फास्ट टैग का मतलब ही वही है ना, कि फास्ट टैग का यही मतलब है। मैं लाइक 500 रुपए थे और सूरज और ये निकले थे उसके लिए, तो मैंने सोचा कि यार कहीं दिक्कत ना हो तो मैं ज्यादा डाल देता हूँ। तो मैंने जनरली 1000 रुपए का डालता हूँ, 1000 की जगह 2000 डाल दिए। तो इन्होंने आके बोला रिचार्ज उचार्ज नहीं है क्या, वो बोल रहा था वहाँ पे दिक्कत हो रही थी। क्या बात करते हो यार, 2500 रुपए है ये देख लो, अभी रिचार्ज किया, कैश दिया नहीं, निकल गया होगा। हाँ, जो निकाल दिया होगा, जैसे भी चाहे फ्री में निकाला चाहे जैसे निकाला। हाँ, लेकिन उसका ये वो था कि आपके इसमें बैलेंस लो। तो यहाँ पे भाई साहब सो गए हैं, इनकी नींद हो रही है यहाँ पर, और बस जैसे तैसे एडजस्ट हुए हैं और हम लोग बैठे हैं। तो भाई लोग, अभी हम लोग आ गए महाकाल नगरी उज्जैन। तो ये देख सकते हो आप लोग, उज्जैन में हम अभी खड़े हैं। यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होने के यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण हम ले रहे हैं बाईपास यहाँ का, और वहाँ से निकल जाएंगे। तो गाइस, अभी हम लोग इधर एक ढाबा है जो ये सी रोड पर पड़ता है, तो यहाँ पर रुके हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम खाना खाएंगे, उसके बाद फिर वापस निकल। शिवी सुनना, गाड़ी तेरा भाई चलाया। गाइस, तो ये देखो, ये विंड मिल है आगर में। आगर है ना, ये कौन सा शहर है? आगर। अबे बहुत ही सारी हैं, पूरे में लगी उधर, वो वहाँ पीछे तक, बहुत आगे तक दिखेगी यही। बस ये देखिए, यहाँ पे पूरा हमने बेड बना लिया है, जो जीजू सो रहे हैं, अभी ड्राइव अब मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप बाहर देखिए, तो वैसे यहाँ पे काफी फोटो शूट हो गया है, आप बैठ रहे हैं कार में। तो वैसे यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त था, और यहाँ पे मैंने काफी रील्स बनाई है और फोटो शूट किया है यहाँ पे। यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी आपको, तो आप जाकर वहाँ पे चेक करिए मेरी वीडियो कैसी लगी वो देखना, और कमेंट करके जरूर बताना।
तो अब चलते हैं वापस अपन अपने सफर में। तो गाइस हम लोग आ गए कोटा, यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ से अब देखते हैं, नहीं तो फिर जयपुर के लिए अभी निकल जाएंगे। अब डिसाइड करते हैं हम लोग क्या करना है। और अभी खाना भी अपन यहीं पे खाए हैं, उधर ही खाएंगे क्यों, जयपुर में खाएंगे यहाँ ठीक मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक तो ये जिस रोड से आए हैं उस पर मज़े ही नहीं आया, कोई रेस्टोरेंट ना ढाबा अच्छा कुछ मिला ही नहीं। तो अब देखते हैं शायद उधर ही अब मिल जाए ठीक, नहीं तो जयपुर में खाएंगे। तो ये होती है टनल शुरू, ये कोटा के आगे है ना जयपुर वाले। हाँ उससे वो बना लो व्हील, दबा कर रखो उसको, दबा। वैसे भी समझ आएगा वैसे, इतना मस्त लग रहा है यार ये टनल, मस्त लग रहा है। नेचुरल है ये, मैं बोल रहा हूँ, है ना? क्या? नेचुरल टनल है ना, काट के बनाई है। हाँ मतलब कट करके बनाई है ना, मतलब ऐसे तो ठीक है बट सीमेंट का नहीं बना है, पत्थर का बना हुआ था उसको काटा है। मस्त लग रहा है, फर्स्ट टाइम में टनल में है इतना लंबा। तुम लोग जीजू ये कोई गेम में बताते ना, गेम वैसे लग रहा है। बाइक सिटी वो सैन एंड्रियास। हां सैन एंड्रियास अच्छी लगी, दूर से लग नहीं रहे थे कितनी लंबी होगी। अब जयपुर बचा है 209 किलोमीटर। तो गाइस यहां पे अभी हम रुके हैं, यहां पे भी खाना खाते हैं हम, टमाटो सूप और रोस्टेड पापड़। वाओ ये कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से अनियंस है ना, प्यारे लग रहे हैं। तो चेरी टमाटोस टाइप हो गए, चेरी अनियन सूप भी बहुत टेस्टी है, इतना सारा दोनों ने लिया, इतना सा मुझे दिया। फाइनली पहुंच गए हम जयपुर और अब जा रहे हैं हम यहाँ से हमारे होटल में। बस हाँ तो गाइस हम लोग आ गए हैं ये क्लिक होटल, ये हमारी होटल, ये गाड़ी लगा दी है और अब जा रहे हैं हम ऊपर, रूम दिखाता हूँ आपको। फाइनली हम लोग आ गए हैं जयपुर होटल चेक इन करने के लिए। तो आपको रूम टूर देता हूँ, देखो ये है रूम, ये देखो ये लगा हुआ है बेड, ये चेयर, टीवी, अलमारी एंड ग्लास, ये लगा, ये वॉशरूम देखिए। तो गाइस काफ़ी लेट हो गया, अब नींद आ रही है, तो ये लोग भी थक गए, मैं भी थक गया हूँ, तो अब मैं चलता हूँ अपने रूम में ठीक है। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ गेट लगा। हाँ तो गाइस आ गया हूँ मैं अपने रूम में और अब सोता हूँ, पहले तो मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी, अभी ये वीडियो को एडिट करता हूँ। यहाँ पे खूबसूरत प्लेसेस को विजिट करूँगा कल मैं, आपके साथ भी शेयर करूँगा तो कल भी, और डेली ब्लॉगिंग करूँगा मैं, तो आप डेली ब्लॉग को देखिए, इंजॉय कीजिए। एंड अभी चलता हूँ मैं सोने, बाय बाय, गुड नाइट।